दोस्तों, ये कहानी एक नर्स ने सुनाई है जो अपनी बड़ी बहन के साथ क्लिनिक पर रहती थी। इसका फर्जी नाम सॉफ्ट एंजल है। ये कहानी आप इसी की जुबानी सुनिए। मैं क्लिनिक में अकेली थी। मेरी बड़ी बहन दवाई खरीदने के सिलसिले में शहर गई थी। ये क्लिनिक में मेरा तीसरा दिन था। अचानक एक 36 साल बहू और उसकी बूढ़ी सास ने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में एंट्री मारी। बहू पेट पर हाथ रख के दर्द के मारे चिल्ला रही थी, जबकि बूढ़ी सास उसे मुकामी जुबान में बुरा भला कह रही थी। बच्चे की पैदाइश में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, लेकिन मेरी मिसाल गाड़ी में बैठे पहले दिन के ड्राइवर जैसी थी, इसलिए मैंने सास बहू दोनों को शहर के हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया। ये सुनते ही बूढ़ी सास ने अपने बदतमीज लहजे वाली तोप का मुंह मेरी तरफ कर दिया और मुझे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपको कैसे पता कि बच्ची की पैदाइश में सिर्फ 10 मिनट थे? मैंने सवाल दाग दिया। जब मैंने इन्हें अस्पताल जाने का मशवरा दिया तो माँ बनने वाली 36 साल बहू में उठने की सकत नहीं थी। वो मेरे कंधों पर हाथ रखकर बार बार वॉशरूम जाती और जरूरत पूरी हुए बगैर वापस आती। ये मुझे बाद में पता चला कि बच्चा पैदा होते वक्त ऐसा दर्द महसूस होता है। मैं अभी तक सोच रही हूँ कि चूंकि ना मैं माँ बनी थी और ना बच्चों की पैदाइश में मेरा कोई तजर्बा था, लेकिन इस 36 साल औरत का तो ये 5वां बच्चा था, वो क्यों बार बार वॉशरूम जा रही थी? 6 मिनट में वो मेरे कांधों पर हाथ रखकर 3 दफा वॉशरूम गई थी। 4थी बार मैंने इसे वॉशरूम में छोड़कर इसकी सास की तरफ दौड़ लगाई ताकि मैं उसे बता सकूं कि आपकी बहू सीरियस है, फौरन इसे अस्पताल ले जाओ। लेकिन तब तक वो क्लिनिक से निकल चुकी थी। मेरे 14 तबक उसी वक्त रोशन हुए जब मैं इसके पीछे क्लिनिक से बाहर निकली और मैंने उसे चिंगची में बैठे देखा। वो जालिम अपनी बहू को आखिरी 30 मिनट में चिंगची में बिठाकर हमारे क्लिनिक तक लाए थे। बूढ़ी सास को मैंने सिर्फ इतना कहा कि जल्दी कोई इंतजाम करें, आपकी बहू की हालत इंतहाई नाजुक है। जवाब में इस 70 साल खातून ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने इसके दोनों गुर्दे मांगे हों। मैं वापस दौड़ती हुई वॉशरूम के पास पहुंची, जहां 50 सेकंड पहले मैंने इस औरत को छोड़ा था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मैंने वॉशरूम में नौमौलूद बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वॉशरूम का दरवाजा पहले से आधा खुला था। मैं जल्दी अंदर दाखिल हुई, देखा औरत ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया था। माँ की बेलोस मोहब्बत और शफकत मेरी आंखों के सामने थी। माँ खुद नीम बेहोशी की हालत में साकन पड़ी थी और बच्ची के जिस्म का निचला हिस्सा कमोड में, जबकि सर माँ के हाथों में था। मैंने बच्ची को उठाया और उसकी माँ को सहारा देकर क्लिनिक की चारपाई तक ले आई। मैं अब भी सोचती हूँ कि इतना हौसला मुझ में आया कहाँ से, क्योंकि मैं इतनी नरम दिल और नाजिक हूँ कि काकरोच, छिपकली, चूहों वगैरह से डर जाती हूँ। इस दौरान मैंने बड़ी बहन को फोन करके तमाम सूरत हाल से आगाह किया। जब इसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने मुझे बताया कि ये मेरी 5वीं बेटी है। चंद महीने पहले अल्ट्रासाउंड से हमें पता चला था। दौरे जाहिलियत और मौजूदा दौर में यही फर्क है कि उस दौर में अल्ट्रासाउंड नहीं था, इसलिए कम से कम बच्चे की लालच में तो माँ की सेहत का ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब तो पैदाइश से चंद महीने पहले बच्ची की माँ को हकारत की नजरों से देखना शुरू हो जाता है। इस दिन से मेरी सास समेत तमाम घर वाले मुझसे जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि मैं बेटियों की माँ हूँ और मेरे घर वालों को बेटा चाहिए। 4 घंटे पहले मेरा दर्द शुरू था, लेकिन घर वाले जानबूझकर मुझे डॉक्टर के पास नहीं ला रहे थे कि बेटी है, इस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं, घर ही में ठीक हो जाएगी। उस नर्स ने बताया कि तालीम याफ्ता तबका समेत 95% लोग बेटियों की पैदाइश पर दुखी होते हैं। ये मुआशरे का एक इंतहाई संगीन और दर्दनाक पहलू है। इस्लाम को मानने वाले कब इस्लाम पर अमल करेंगे? इस बारे में आप हमें क्या कहते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।